थ्योरीज में से फिर हम एक थोड़े एडवांस थ्योरी पे जाएंगे जो कि होगा बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी बेसिकली बाकी जो प्रीवियस थ्योरीज हैं उनके कंपैरिजन में एक हायर लेवल पे बात करेगा, तो पर उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। मैं ड्रॉबैक 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिमिटेशन बोल रहा हूँ। लिमिटेशन के अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर हम जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। बताना है
कि जब लाइट अगर किसी एटम पर पोलराइज हो रही है तो वो तो डेफिनेटली कुछ चीजें उसमें से एब्जॉर्ब हो रही है ना। अब सिचुएशन में आती है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या आप एक एटम का ले सकते हैं क्या? कैंसर क्लियर कट नो, हम एक एटम का स्पेक्ट्रम कभी नहीं ले सकते क्योंकि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक एटम को आइसोलेट करना। तो हमारे पास जब भी आएगा एक सर्टन एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर हम उसको हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क में प्लेस करके उसको मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन एटम बना सकते हैं, बट वो कभी भी एक नहीं होगा, वो बहुत सारे होंगे ना। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम जो है उस पर हमें लाइट को लाइट करना है। लाइट को लाइट कर रहे हैं तो हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है। लाइट को लाइट करते हैं मतलब सिंपली हम क्या करते हैं, सैंपल रखते हैं बीच में और उसमें से लाइट को लाइट करते हैं। लाइट को लाइट करते हैं अलग अलग वेवलेंथ का लाइट को लाइट करते हैं और जो बैक साइड पर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं या फिर एक ऐसा रिसीवर लगा देते हैं, वो सारी जो लाइट को वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा और आपको एक सडन एक इमेज दे देगा। इमेज जो होगा वो इमेज आपको क्या करस्पॉन्ड करेगा, वो ये बताएगा कि कोई जो वेवलेंथ है लाइट की वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है और कुछ वेवलेंथ एज इट इज वहां तक पहुंच गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ब्रेक होकर आ रहा है। तो ये जो सरल स्पेक्ट्रम होगा, ये जो इमेज आएगी उस इमेज को क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रम। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर हमें पढ़ना है तो उसके पहले हमें लाइट को समझने की जरूरत पड़ती है। लाइट एज अ वेव एंड पार्टिकल, ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। रीजन है कि लाइट का जो बिहेवियर है एटम जिस एटम के साथ जो रिलेट करता है तो उस लाइट का जो बिहेवियर है ये हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सबसे पहले लाइट हम बेसिकली क्या मान के चलते हैं, एज अ वेव मान के चलते हैं। अब लाइट एज अ वेव मान के चलने का मतलब है कि हमारे पास कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फिजिक्स में भी स्टडी करते हो कि जहां पर आप लाइट को एज अ वेव एक्सप्लेन करते हो कि लाइट एक वेव के फॉर्म में है। तो जब भी लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहां पर हमारे लिए सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। अब वहां पर हम जो अगर वेव मान के चलते हैं तो ये एजम जो भी हमारे जो कंक्लूजन मिल रहे हैं वो सारे के सारे कंक्लूजन जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कुछ हम सोच कुछ रहे होते हैं और एक्चुअल रिजल्ट कुछ आ रहा होता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए फिर जब सोचा जाता है कि लाइट वाकई में वेव है क्या, तो हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन आता है कि लाइट एक पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी लाइट एज अ पार्टिकल अगर हम मान लेते हैं तो हमारे लिए एक सडन टर्म आ जाता है। फर्स्ट जो आता है पैकेट्स ऑफ लाइट, पैकेट्स ऑफ लाइट, इसका साफ मतलब होता है कि हमने लाइट को क्या एज्यूम किया हुआ है, हमने लाइट को एज्यूम किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्टन पैकेट्स। ठीक है, अभी जो पैकेट्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, क्वांटम। ये जनरल क्वांटम का जनरल मतलब क्या होगा, एनर्जी पैकेट। ठीक है, और अगर वो लाइट के रिस्पेक्ट में है तो क्वांटम को क्या कहा जाएगा, फोटोन। ठीक है, तो क्वांटम बेसिकली एक पैकेट ऑफ लाइट है ना। अगर मैंने वर्ड यूज किया पैकेट ऑफ लाइट, इसका साफ मतलब निकलता है कि लाइट को हम एज नॉट इन अ कंटिन्यूअस वे बट इन अ डिसकंटिन्यूअस वे इमेजिन कर रहे हैं। क्लियर, मैं एकदम क्लियरली आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि लाइट को हम कंटिन्यूअस वे में अगर मानते हैं, मतलब लाइट जो एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है, जो ट्रेवल कर रही है, वो अगर हम कंटिन्यूअस वे में मानते हैं तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो वेव नेचर है। बट अगर हम उसको डिसकंटिन्यूअस वे में मानते हैं तो हमें उसको बोलना पड़ता है कि वो एक पार्टिकल नेचर में है ना। पार्टिकल नेचर में होने का साफ मतलब निकलता है कि वो सर्टन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, दैट मींस सर्टन पैकेट्स में आएगा। क्लियर ना, अब वो जो पैकेट्स हैं वो हमने बात तो की है सिर्फ लाइट की, पर ये पैकेट एक्चुअली एनर्जी पैकेट है, दैट कैन बी एनीथिंग। तो एनर्जी पैकेट को जनरल टर्म में यूज किया जाएगा, क्वांटम। पर जैसे ही हम एक लाइट की बात करेंगे तो वहां पर हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज फोटोन। क्वांटम भी हम यूज कर सकते हैं, क्वांटम इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म क्या आ चुका है, फोटोन। अभी जो फोटोन है, ये फोटोन की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी
अभिव्यक्ति हम लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा, तो ये h इनटू c अपॉन लैम्डा. व्हाट डज c स्टैंड फॉर? c स्टैंड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है. h भी क्या है? एक प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ. आपको ये सब चीजें समझाने की जरूरत नहीं है कि वेवलेंथ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है. तो अभी हमारे पास सर्टन एनर्जी फोटोन की बात कर रहे हैं, लाइट एज अ पैकेट. वो जो पैकेट होगा उसकी जो भी एनर्जी होगी वो करस्पॉन्ड किसको करेगी? उसके फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी को. पर जैसे मैं फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करता हूँ बेसिकली मैं वेव की बात कर रहा हूँ, और जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि वेव की एनर्जी की. बट बेसिकली हम दो चीजों को मिक्सअप करके बात कर रहे हैं कि अगर एक लाइट एक वेव के फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में, तो उसकी सर्टन फ्रीक्वेंसी आएगी. उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम उसका एनर्जी निकाल सकते हैं. एक्चुअली वही एनर्जी उसके पैकेट की भी एनर्जी होगी. अगर एक सर्टन पैकेट अगर हम बात करते हैं तो उस पैकेट की भी एनर्जी कुछ और डिफरेंट नहीं होगी. तो हमारे पास सबसे पहला चीज क्या है? लाइट हमारे पास दो चीजों में है. कौन से चीजों में? वेव एंड पार्टिकल. तो वेव के लिए हम क्या बोलते हैं? वेव तब होगा व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग, एंड पार्टिकल तब होगा व्हेन लाइट इज इंटरैक्टिंग विथ मैटर. ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स बन जाते हैं कि लाइट को हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं. लाइट जब भी ट्रैवल करेगा वो किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा? एक वेव के फॉर्म में. पर जब भी किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तब हम कंट्रोल करते हैं कि वो उस मैटर के टाइम पर इंटरेक्ट करते हुए क्या बिहेवियर है उसका, पार्टिकल नेचर. अब हम लाइट के जो बेसिक पॉइंट्स इस फिनोमेना से आते हैं कहां पर? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली होता यह है कि हमारे पास एक एटम है. एक एटम का मैं न्यूक्लियस ले रहा हूँ, उस न्यूक्लियस के कुछ सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. हम ये एजम्पशन डायरेक्टली करते जा रहे हैं कि हम सिंपली क्या मान लिया कि हमारे पास एक सर्टन न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. और उसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करते जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते जा रहे हैं, रिवॉल्व करते जा रहे हैं. ठीक है, अब मैं हर एक सिंगल एक ऑर्बिट मतलब एक टू डायमेंशनल पाथ प्लेस कर रहा हूँ, उस पाथ में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम एक इमेजिनरी यहाँ पर एक पाथ इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, जो एक्सेस तो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. वो ऐसे ही हो गया कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अर्थ है, अर्थ एक सर्टन ऑर्बिट जो कि इमेजिनरी पाथ है जिसके सराउंडिंग घूमता जा रहा है, वो घूमता जा रहा है एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग. मान लेते हैं कि हम जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में जो भी प्लैनेट है एक एक्स्ट्रा प्लैनेट आ जाता है, मान लेते हैं. ठीक है, और वो इन जो सात आठ चौबीस अभी जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में कहीं जाकर बैठ जाता है. तो वो भी एक सर्कल पे घूमना शुरू करेगा, अर्थ की सॉरी सन के सर्कल पे घूमना शुरू करेगा. अब उसका जो ऑर्बिट होगा वो पहले तो नहीं था क्योंकि वो तो इमेजिनरी पाथ है. वो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उसमें आया वो पाथ जनरेट हो गया और वो एक इमेजिनरी पाथ में उसमें सन के सराउंडिंग को घूमना शुरू कर दिया. वैसे ही क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये मैं ऑर्बिट ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी कुछ नहीं है तो इमेजिनरी बन गया. ना अगर हम एक लाइट कोलाइड कर देते हैं किस पर? एक एटम पर. तो एटम पर कोलाइड करने का मतलब है वो लाइट कौन एक्वायर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन ये लाइट एक्वायर करेगा और इंस्टेंटली जंप करके एक हायर लेवल पे जा सकता है. ठीक है, ना जस्ट एक इमेजिनरी कंडीशन, मैं एक सेकेंड और एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर रहा हूँ, तो वो भी अगर एक लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो जंप करके हायर लेवल पे जा सकता है. अब मैंने यहाँ पर एक लेवल शो किया, मैं और एक लेवल इमेजिनरी यहाँ पर शो करता हूँ. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास ये दोनों के पास एक एक लेवल था. तो ये इलेक्ट्रॉन जो लाइट एनर्जी लेगा उसको लेकर इस लेवल पर भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर भी जा सकता है. मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टू बोलता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं वन बोलता हूँ. तो अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन वन जो है वो अगर जंप करता है, ठीक है, उसके पास एनर्जी मिल गई है, वो जंप कर देता है, तो वो जंप करेगा तो वो एक लेवल से निकलकर दूसरे लेवल में जाने की कोशिश करेगा.
क्लियर है ना। ना जैसे अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर मैं बैठा हुआ हूं, अब यहां से मैं जंप करता हूं तो मैं बीच में कहीं भी रुक सकता हूं, मैं सीधा कहां जाऊंगा, मैं उस कुर्सी पर ही जाऊंगा, ठीक है। तो अगर यहां से मैं जंप कर रहा हूं तो मेरी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं यहां से जंप करूंगा तो सीधा जाकर वहां बैठ जाऊंगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर है। इसका मतलब है कि मुझे यहां से वहां तक जाने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं एक पॉइंट पर ही लूंगा, मुझे एक सर्टन एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से मैं जंप करूंगा। अगर मैं जंप करता हूं तो या तो मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाऊंगा, या तो मैं दीवार से हिट करूंगा, या फिर बीच में रह जाऊंगा। मतलब अगर मेरी जो एनर्जी है वो अगर ये जहां से एनर्जी चाहिए उस कुर्सी तक जाने के लिए, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी अगर मैं मुझे मिल जाती है कहीं से तो मैं जंप करके वहां जाऊंगा। बट अगर मुझे एग्जैक्टली उस एनर्जी नहीं मिली, उससे थोड़ी कम रह गई या उससे ज्यादा हो गई, तो मैं बाउंस होकर वापस अपनी जगह पर आऊंगा, और जितना एग्जैक्टली मैंने एब्जॉर्ब किया था, लिया था, उतना मैं वापस दे दूंगा, क्योंकि मैंने तो वहां तो गया नहीं। ये बेसिक फेनोमेना है। अब मान लेते हैं मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अब यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं पहले यहां पर जो खड़ा था, इस पॉइंट पर जो मैं खड़ा हूं, उस पॉइंट पर एक शीट मान लो, यहां पर दूसरा है। अब मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मेरे पास दो फेजेस है। अगर मैं जो एनर्जी दे रहा हूं वो एनर्जी मुझे उतनी एग्जैक्ट है कि एक शॉट में यहां जा सकता हूं तो मैं उतनी एनर्जी लेकर आ जाऊंगा ना, बट मैं यहां से फिर दूसरी एनर्जी लेकर वहां नहीं जाऊंगा, जाऊंगा फिर एक ही जाऊंगा, ठीक है। या फिर अगर मुझे कुछ ज्यादा एनर्जी मिल गई जो कि मेरा और वहां पर जाने का जो डिफरेंस है एनर्जी का, उस एनर्जी का डिफरेंस मुझे मिल गया, तो मैं उठकर कहां चला जाऊंगा, सीधा जंप करके यहां पहुंच जाऊंगा ना। इन बिटवीन दिस टू देयर इज नो पॉसिबल वैकेंसीज, क्लियर। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, यहां से अगर जंप करता है तो वो सीधा या तो इस पॉइंट पर जाएगा या तो इस पॉइंट पर जाएगा, क्लियर। बीच में कहीं नहीं रुकेगा, दैट मींस ये जो एनर्जी लेवल्स है इसको मैं बोलता हूं N1 फर्स्ट लेवल, इसको मैं बोलता हूं N2, ये बन जाएगा N3 और ये बन जाएगा N4। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है N1 से निकल रहा है तो वो किस में चला जाएगा, N2 में जा सकता है या फिर N3 में जा सकता है या N4 में। तो ये E1 जो है ये कहां कहां जा सकता है, N1 से निकलेगा तो N2 में भी जा सकता है, N3 में भी जा सकता है, N4 में भी जा सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, क्लियर। नाउ यहां से हम एक कंक्लूड ये भी कर सकते हैं कि जब भी वो जाएगा, अगर उसके पास जो एनर्जी मिल रही है, उसको जो एनर्जी मिल रही है वो तो एक रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि मुझे यहां से वहां तक जाना है तो मुझे 5 यूनिट्स की जरूरत है, पर मुझे डायरेक्टली वहां तक जंप करना है तो मुझे 8 यूनिट्स की जरूरत है, ठीक है। मैं यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं कौन से लेवल पर हूं, फर्स्ट लेवल पर हूं, मुझे फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है, 5 यूनिट्स। पर अगर मुझे सेकंड को छोड़कर सीधा थर्ड पे जाना है तो मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, 8 यूनिट्स। अब मुझे जो यूनिट्स मिल रहे हैं तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, मतलब एक पैकेट जो होगा वो 8 यूनिट्स का होगा पहला वाला, दूसरा जो पैकेट मिलेगा वो होगा उसमें 2 यूनिट्स एक साथ होंगे, तीसरा जो पैकेट होगा वो 3 यूनिट्स एक साथ होंगे, चौथा जो पैकेट होगा वो 5 4 यूनिट वाला होगा। आपको पॉइंट समझ में आया, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक पैकेट जो होगा पहला, मैं मुझे बोलता हूं कि मुझे 10 पैकेट्स मिले हैं, ठीक है, 10 से 10 पैकेट अलग अलग वेवलेंथ के हैं, दैट मींस सभी की एनर्जी सेम नहीं है। और इसमें से कंक्लूड मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे पहला पैकेट है वो सबसे कम एनर्जी का है तो उसमें बोलता हूं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है, दूसरा जो पैकेट है वो उससे ज्यादा एनर्जी का है तो उसमें 2 यूनिट एनर्जी ले लेता हूं, मतलब पहले के कंपैरिजन में दूसरे वाले में 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो तीसरे वाले में 3 यूनिट लेता हूं, चौथे वाले में 4, ऐसे करते करते 10th पैकेट जो होगा उसमें कितने यूनिट्स होंगे, 10 यूनिट्स होंगे, ठीक है। बट अब मैं अगर बात करता हूं यहां से मुझे इस फर्स्ट लेवल से लेकर सेकंड लेवल पे जाना है तो मुझे फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे जाने के लिए एक ऐसा पैकेज चाहिए जिसमें 5 यूनिट्स हो,
ठीक है। और अभी जो 5 यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं वो मुझे कौन सा पैकेट में मिलेगा, फिफ्थ नंबर के पैकेट में मिलेगा। तो फिफ्थ नंबर का अगर मैं पैकेट ले लेता हूं तो सीधा उठकर मैं कहां चला जाऊंगा, यहां पर आकर बैठ जाऊंगा, ठीक है। बट अगर मुझे फिफ्थ के बजाय एट नंबर का पैकेट मिल जाए तो मैं सीधा उठ के कहां चला जाऊंगा, यहां चला जाऊंगा। ये एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट अगर N1 से मुझे N2 में जाना है तो मुझे कितने की जरूरत थी, 5 यूनिट्स की जरूरत थी। वैसे ही N1 से अगर मैं N2 में जाना चाहता हूं, N3 में जाना चाहता हूं तो मुझे कितनी यूनिट्स की जरूरत थी, 8 यूनिट्स की जरूरत थी। और N1 से अगर मैं N4 में जाता हूं तो मैं बोलता हूं 10 यूनिट्स की जरूरत थी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मुझे क्या बता है, मुझे तो 10 अलग अलग पैकेट मिले, ठीक है ना। मेरे जैसे और दो जने इमेजिन कर लो, अब 3 जन खड़े थे, हम 3 जनों को एक साथ मान लो 10 जन खड़े थे, 10 जन, 10 जनों को हर एक को एक एक पैकेट मिला, कितने पैकेट थे टोटल, 10 पैकेट। उसमें से 10 जनों को कितना पैकेट मिला, 10 पैकेट मिला। तो जो फर्स्ट जो पर्सन था उसका जो पैकेट था फर्स्ट, वो किसी काम का नहीं था क्योंकि उसे तो मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट थी, 5। तो जो फर्स्ट पांचवा जो पर्सन था उसको जो फिफ्थ नंबर का पैकेट मिला था वो उठ के कहां चलाया, फिफ्थ वाले पे चलाया। जो 8 नंबर का पर्सन था उसने पैकेट कौन सा पैकेट मिला, 8 पैकेट मिला, तो उसने वो 8 पैकेट कंज्यूम किया और वो उठकर कहां चलाया, यहां पर। वो अपनी जैसे मैं बोलता हूं कि जो 10th नंबर का पर्सन था उसको कौन सा पैकेट मिला, 10th पैकेट मिला, उसमें कितने यूनिट्स थे, 10 यूनिट्स थे। अब ये वो उठ के चले गए। इन शॉर्ट बाकी जो थे मतलब 1, 2, 3, 4 पर्सन जो थे उनको एनर्जी तो मिली बट वो किसी काम की नहीं थी, तो उन्होंने उतनी एनर्जी वापस कर दी, मतलब जितना लिया था एज इट इज वापस कर दिया। इन शॉर्ट उन्होंने लिया ही नहीं। नाउ 6, 7, 5 तो कंज्यूम हो चुका है, 6 एंड 7 की जो गेट है ये भी क्या हुआ है, ये जितना कंज्यूम जो लेने वाला था उसको वो किसी काम के नहीं, क्योंकि वो 5 से ज्यादा एनर्जी कम हो गया है तो वो बाउंस होके आ जाएगा वापस। 7 भी 5 से ज्यादा हो गया बट 8 से दोनों कम हो गए तो वो वापस आ जाएंगे। तो 6 एंड 7 एज इट इज वापस किए जाएंगे एंड इनके बीच में जो है 10th, 9th वाला यूनिट है, तो यहां पर मैं बोलता हूं 1, 2, 3, 4 ये वापिस हो गए, 5th कंज्यूम हो गया, यहां पर कौन होगा, 6 एंड 7 ये वापिस हो गए और यहां पर कौन वापिस हो गया, 9th वापिस हो गया। तो ये जो पैकेट थे ये एज इट इज फ्रंट पे आ जाएंगे, ठीक है, और जो स्क्रीन होगी वहां पर वो हिट करेंगे। तो जो फर्स्ट पैकेट जो हिट करेगा तो उसका एक सर्टन फ्रीक्वेंसी नोट होगा, तो जो मुझे स्क्रीन पर जो है इसको मैं कुछ बैंड्स बोलूंगा, तो यहां पर मुझे 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 बैंड्स मिलेंगे। ये बैंड जो है मैं भले ब्लैक कलर पे टकना तो उसको मैं बोलूंगा कलर बैंड, क्लियर ना। यहां पर मुझे कितने बैंड मिलेंगे, 2 बैंड मिलेंगे, ये भी क्या बन जाएगा, कलर बैंड। और यहां पर मुझे कितना बैंड मिलेगा, 1 9। तो यहां पर मुझे क्या पता चलता है कि टोटल जो 10 पैकेट जो थे उनमें से 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड 9 ये 4 और ये 3 ये 7 पैकेट क्या हो गए, ये एज इट इज ऑब्वियस है। बट ये जो 5 एंड 6 था यहां पर किसको होना चाहिए था, 5 एंड 6 इस पूरे गैप में, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, कलर मिसिंग, यहां पर भी क्या हो जाएगा, कलर मिसिंग, ठीक है। तो फिफ्थ के लिए कलर मिसिंग होगा यहां पर और आखिरी में एक कलर मिसिंग। अब ये चीज आपको क्या बता रही है, ये जो आपको एक इमेज मिलेगा, एक इमेज मिला है जहां पर कुछ ऐसे बैंड्स आ गए, स्ट्रेट लाइन्स आ गई और उसमें कुछ गैप्स आ गए ना। अब ये जो चीजें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम बेसिकली अब अगर हम एनालाइज करते हैं उल्टा जाकर तो हमें पता चलता है कि ये क्लियर कट बता रहा है कि लाइट कौन से पार्टिकल में, कौन से नेचर में जा रही है, पार्टिकल नेचर में जा रही है ना कि वेव नेचर में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है कहां से, एक लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल पर, तब वो कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। अब वो जो भी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा कि वो दोनों दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस कितना है,
ठीक है। अब इन चीजों को जो बताया गया था वो रिबर्स नाम के साइंटिस्ट था, उसने एक इक्वेशन दिया। रिबर्स ने इक्वेशन क्या दिया कि वेव नंबर इज इक्वल टू रिबर्स कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू 109677 इंटू जेड स्क्वायर 1/(n1)² - 1/(n2)² ये जो उसने वैल्यू दिया था वो वैल्यू एक्चुअली था वेव नंबर जो भी एनर्जी होगी। अब याद रखना, अब मैं ये इक्वेशन को इस एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हूँ। वेव नंबर जो है वो एक पैरामीटर, जैसे वेवलेंथ है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज अ वेव नंबर। एक सर्टन लाइट, वो लाइट जो कि हमें जरूरत है कहाँ से, मैं बोलता हूँ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, वो कहाँ से कहाँ जाने की जरूरत हुई, N1 से कहाँ तक N2। ये N1 N2 मैंने यहाँ पर भले ही लिखा है, बट आपको कोई भी चीज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ ये दो ही लेवल है, आपके पास मल्टीपल लेवल्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी एक लेवल से किसी भी दूसरे लेवल पे जाने के लिए जो डिफरेंस होगा, आपको दो लेवल्स प्लेस करके जाने, बस N1 कौन सा होगा लोअर वैल्यू, N2 कौन सा होगा हायर वैल्यू, ठीक है। तो N1 एंड N2 अगर हम प्लेस कर देते हैं तो ये वैल्यू डायरेक्टली मुझे करस्पॉन्ड किसको करेगी, एक टर्म को जिसको हम कहेंगे वेव नंबर। अब ये वेव नंबर जो है ये हमें क्या इंडिकेट करेगा कि उतना जो एनर्जी है वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने या उस एटम के इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया ना। अब हम सेकेंड फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट पास है। अब अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर एमिट करना शुरू कर देता है, वही इलेक्ट्रॉन जो हायर लेवल पे चला गया था, तो हायर लेवल पे जाने पर वो स्टेबल होगा क्या? एब्सोल्युटली नो, वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो वो अनस्टेबल अगर हो रहा है तो वो क्या करना शुरू करेगा, वो एनर्जी वापिस देना शुरू करेगा, ठीक है। पर जब वो वापिस देता है तब वो वापिस, जैसे अगर मान ले तो N1 से डायरेक्टली कहाँ चला गया था, N4 में, तो N4 से जब वो वापिस आएगा तो हो सकता है डायरेक्टली भी आ जाए, हो सकता है तोड़-तोड़ के भी आए, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे वो हर बार, जैसे अगर तो फोर्थ लेवल पे था, फोर्थ लेवल से जब वो नीचे आएगा किसी भी एक लेवल पर, तो उतनी एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी, मतलब छोड़ देनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे रिलीज करेगा, वो सबसे पॉइंट मेन पॉइंट है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, पर जब वो रिलीज करता है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो रिलीज करना है तो वो हमेशा क्या जनरेट करेगा, एक वेव लेंथ जनरेट करेगा, जिससे बहुत इजीली वेव नंबर हम निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे आपको डेफिनेट एक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद रखना है ये कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है, और जनरली कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट को RH लिख देते हैं, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। जेड स्क्वायर इज एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर लिखना है। N1 N2 आपको ध्यान रखना है, N1 शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन N2, तब जाकर ये ब्रैकेट जो है ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, वरना वो नेगेटिव हो जाएगा ना। अब अगर मैंने वेव नंबर की जगह वेव लेंथ देता हूँ, इनवर्स कर देता हूँ, तो ये कांस्टेंट का ये सारे टर्म्स इनवर्स होने शुरू हो जाएंगे। इन शॉर्ट हम उसको मैनिपुलेट करके वापस कांस्टेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सब है ये आपको यहाँ पर वेव नंबर के फॉर्म में है, या फिर वेव लेंथ के फॉर्म में ले जाएंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ले जाएंगे, या तो सीधा एनर्जी के फॉर्म में ले जाएंगे। तो हमारे पास ये जो तीन टर्म्स है, जैसे हमने एनर्जी का इक्वेशन लिखा, एनर्जी किसको रिलेट करते हैं, एच इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी की जगह हमने क्या लिखा, सी अपॉन लैम्डा। मैं इसमें और एक टर्म ऐड करता हूँ, एच इंटू सी इंटू 1/(λ) क्या था, वेव नंबर। तो हमारे पास तीन इक्वेशन बन गए, एनर्जी का पहला इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, एंड थर्ड इक्वेशन ये है। तो हम तीन चीजों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या बेसिक चीजें समझ ली है, वो ये समझा है कि एटम जो भी होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्टन लेवल्स में है, ठीक है। उन लेवल्स को हम बोलते हैं एक क्वांटाइज्ड लेवल्स। वो लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, इसलिए भी उसको बोर्स क्या कहना शुरू कर दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स,
ठीक है। तो यहां पर हम बेसिकली ये इक्वेशन हम जानना चाहते थे कि ये किस में आया है ना। अब इसी टर्म्स में ये जो स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रम हमारे लिए कुछ सीरीज जनरेट करता है, ठीक है। सीरीज बेसिकली जो होता है वो होता है कि जब हम एक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमारे पास, मान लेता हूँ जैसे अगर एक ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ, वो ग्राफ में लेवल्स की बात करता हूँ, ठीक है। अब ये टोटल n इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ना। अब अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर बात करते हैं, ये आना शुरू हो जाता है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है। मैं बोलता हूँ 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, 5 से 1 में आ रहा है या 6 से 1 में, क्योंकि हमारे पास ये तो कोई कंक्लूजन है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते वक्त कौन से लेवल में ही जा सकता है, क्योंकि हमने तो उसको बहुत सारी एनर्जी दी थी, उसने बहुत सारी एब्जॉर्ब कर ली ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 2 में ही आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है या 6 से 2 में आ रहा है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि 4 से 3 में आ रहा है, 5 से 3 में या 6 से 3 में, या फिर मैं बोलता हूँ 5 से 4 या 6 से 4 और लास्ट में 6 टू 5। तो ये हमारे लिए क्या बनते हैं, ये अलग कैटेगरीज हमने जनरेट करना शुरू कर दिया। वहां पर हमने ध्यान क्या रखा कि कहीं से भी किस लेवल में आना है, ठीक है। हम उल्टा भी कर सकते थे पर वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। तो कहीं से भी अगर 1 में आता है तो एक सीरीज बन गया, ठीक है। उस सीरीज को क्या कहा जाता है, लाइमन सीरीज। कहीं से भी 2 में आता है तो उसमें क्या कहा जाएगा, लाइमन बायोमर सीरीज। कहीं से भी 3 में आता है तो उसको कहा जाता है पास्टन सीरीज। कहीं से भी 4 में आता है तो उसके लाइमन बायोमर पास्टन ब्रैकेट है। कहीं से भी 5 में आता है तो लाइमन बायोमर पास्टन ब्रैकेट है फंड सीरीज, डिसाइलेंट है। अब उसके आगे आपको एक और टर्म सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज हम्फ्री सीरीज। पर हम्फ्री सीरीज के बारे में कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है या फिर कंफ्यूजन है तो उसको हटा दिया गया है ना। अब ये जो हमने जो स्पेक्ट्रम देखा था वो उसी का है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये 5th यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया था उसने तो कुछ गैप आ गया था, तो वो गैप आने के बाद वो एक्साइट हो चुका था, वो एमिट जब करेगा तब कैसे एमिट करेगा, तब ऐसे कुछ लाइन्स देगा। तब लाइमन सीरीज जो होता है वो अकेला लाइमन सीरीज कहां पर आएगा, यू वी रीजन। बायोमर किसमें आएगा, विजिबल। और ये बाकी तो तीनों है, ये सारे के सारे कहां होंगे, आई आर, ठीक है। आपको ये टर्म याद रखनी है, यूवी में कौन है, विजिबल में कौन है, आई आर में कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन में सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर करके आपको इक्वेशन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक कौन सा कंडीशन था, दैट वाज लाइट के रिगार्डिंग एक टर्म था, और लाइट के रिगार्डिंग जैसे हमने बात करी थी कि उसके अकॉर्डिंग फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम उसके जो सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे लाइट के रिगार्डिंग ही हमारे पास एक और टर्म है, ठीक है। तो वो जो टर्म है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसर्निंग द लाइट कोलाइड करने के बाद वो इतनी हेवी लाइट होगी, अगर मान लेते हैं
तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम में से नॉक आउट हो जाते हैं। नॉक आउट मतलब ऐसा हुआ कि एक एटम था, एक सेंटर में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अब मैंने दूसरा एक कोई हेवी पार्टिकल लिया और इतना तेजी से उसकी तरफ देखा कि वो जो सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उनमें से एक को जाकर उसने इतना तेजी से हिट कर दिया कि वो निकलकर उसके बाउंडेशन से निकलकर बाहर चला गया। जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे, जैसे अगर एक मेटल लेता हूँ, उस मेटल के ऊपर एक मेटल है, उस मेटल पर का जो सरफेस है, ठीक है, एक लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से जो सरफेस पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हम एक इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे वो उसमें एंटर करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पर कैप्चर हो जाएगा, वो एक सर्टन सर्किट में एंटर करेगा, और अगर जैसे सर्किट में एंटर करता है हमें करंट फ्लो मिलेगा। दिस इज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अब यहां पर क्या है कि जो लाइट अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर पोलराइज कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम लाइट पोलराइज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर देखो मान लेता हूँ कि न्यूक्लियस का मैक्सिमम बाउंडेशन इस लेवल तक जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है तो उसको इस लेवल पर तक आते आते एक बाउंडेशन होगा, ठीक है, वो बाउंडेशन उसको हटा देना है, तब जाकर वो बाहर निकल सकता है। अगर वो बाउंडेशन नहीं हटा पाया तो वो वहां जाकर रुक जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे एक लेवल चाहिए था कि मुझे एटम के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर जाने के लिए एक 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जरूरत है, वो बेसिकली 10 यूनिट्स क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा जो न्यूक्लियस है जिससे वो इलेक्ट्रॉन जिसको बाउंड कर रहा है वो न्यूक्लियस उसको उतनी एनर्जी से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। अब वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दे देता हूँ तो वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एनर्जी लेकर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ेगा, और वो अट्रैक्शन तोड़ने के बाद फिर जाकर वो बाहर निकल सकता है। और अगर वो जो बाहर निकलेगा तब एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी खर्च हो जाएगी। क्यों खर्च होगी, क्योंकि उसको जो बाउंडेशन आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाउंडेशन किसका आ रहा है, उसके खुद के न्यूक्लियस का बाउंडेशन आ रहा है, तो वो बाउंडेशन उसको तोड़ना पड़ेगा, वो बाउंडेशन एक सर्टन लेवल तक जाएगा और तभी उसके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी जो आ रही है ये कौन सा है, ये फोटोन की बात हो रही है। अभी जो फोटोन की जो एनर्जी है, दैट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। पहला पार्ट कौन सा है, एनर्जी टू ओवरकम द बाउंडेशन ऑफ द न्यूक्लियस, प्लस वो जो बचा हुआ जो एनर्जी होगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी एनर्जी है वो बाउंडेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड कर देगा और जो बच जाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर हम एनर्जी ऑफ द फोटॉन लेते जो अभी हम बात कर रहे थे, तो हम लिख सकता हूँ एच इंटू फ्रीक्वेंसी will be equal to, ये जो energy है इसको हम बोलते हैं W naught। W naught का हम word use करना शुरू करते हैं, work function plus kinetic energy, E k लिखा। तो ये हम जो equation है this is basically Einstein equation, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ढंग से याद रखना questions आपको क्या पूछे जाएंगे, ये जो value है, ये value है, ये value, इसको सिर्फ manipulate करना शुरू हो जाएगा। और एक बार इसको मैनिपुलेट करते हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी की जगह वेव लेंथ दे देंगे, आपको वेव नंबर दे देंगे, एनर्जी दे देंगे, ये सारी चीजें जो है आपको मैनिपुलेट करेंगे, और कुछ नहीं पॉसिबल, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करते रहना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अगेन चीज पे जाते हैं जो कि एक्चुअली बोर्स थ्योरी है। अब बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। अब सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है n into h upon 2 pi, ये हमारा बेसिक इक्वेशन होता है।
नाउ अब ये एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन है ये खास याद रखना कि एमवीआर उसका एंगुलर मोमेंटम है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा एच अपॉन टू पाई ये क्या बन रहा है एक कॉन्स्टेंट टर्म बन रहा है और एन क्या है ये इंटीजर है, ये हमेशा इंटीजर की वैल्यू में ही जाएगा। अगर एन की जगह हम जीरो कर देते हैं तो सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, एन की जगह वन कर देते हैं तो एच अपॉन टू पाई, एन की जगह टू कर देते हैं तो टू एच अपॉन टू पाई, बेसिकली एच अपॉन पाई। तो अगर मैं बात करता हूँ हर एक लेवल में कितने का डिफरेंस आएगा, एच अपॉन टू पाई का डिफरेंस आ जाएगा। नाउ बोल्स के अकॉर्डिंग क्या कहना था कि जो दो लेवल है जैसे फर्स्ट लेवल है सेकंड लेवल है इनके बीच का जो डिफरेंस होगा एंगुलर मोमेंटम का वो होगा एच अपॉन टू पाई बस। तो हर एक ऑर्बिट जो है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा इनटू इंटीजर मतलब एच अपॉन टू पाई एच अपॉन टू पाई ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिंपली पहला पोस्टुलेट है कि क्या एमवीआर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाई। नेक्स्ट हमारे पास था कि जो सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो ये है कि कोई भी दो लेवल्स जो है जैसे ई टू माइनस ई वन, ई टू क्या है एनर्जी ऑफ सेकेंड लेवल एंड ई वन क्या है एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जिसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा ई विल बी ऑलवेज इक्वल टू एक पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज एक लाइट दैट इज एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है जो आप पहले भी बता रहे थे कि जो एनर्जी रिलीज होगी किसी भी दो लेवल्स पर जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा इस लेवल पर तो वो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो हमेशा कैसे रिलीज करेगा एक फोटो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिलीज करेगा और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो कंटिन्यूस रिलीज ना होती तो क्या रिलीज होगा एक पैकेट रिलीज होगा, वो पैकेट की बात हो रही है। तो वो पैकेट की एनर्जी किसको करस्पॉन्ड करेगी ई टू माइनस ई वन को, ठीक है। अब उसके बाद उसने डायरेक्टली कुछ इक्वेशन दे रखे थे, एनर्जी का इक्वेशन था दैट इज ई इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो आपके पास बुकलेट्स में आपको सारे इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एक इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ यहाँ पर, अब सिर्फ उसको वेरीफाई करते जाना है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटर ऑर्बिट ई एन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर एच जो इन कॉन्स्टेंट की बात कर रहे थे इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर एन विल बी इक्वल टू 0.529 अपॉन जेड इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेव्स विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन लैम्डा, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट। एंड नेक्स्ट रिवर्स इक्वेशन था। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये अब जो एनर्जी की इक्वेशन है अब कुछ स्ट्रेट अवे जो वैल्यूज है इनको इंटरमिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। अब तक का ट्राई है कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं और खास ध्यान रखा जाता है कि जो वैल्यूज है वो वैल्यूज कैलकुलेशन के जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा टिपिकल ना हो, वो सिंपली कैलकुलेबल वैल्यूज ही होती है, बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सेकंड कंडीशन है ना। और थ्योरी जो है उसके बाद हम जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली क्या है ना। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बोर्स के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं तो बोर्स ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज है। अब वो जो पॉइंट चार्ज है वो एक सर्टन दूसरा पॉइंट चार्ज जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं उससे अराउंड क्या करते जा रहा है घूम रहा है। बट
क्वांटम के अकॉर्डिंग उसका कहना है कि इलेक्ट्रॉन पॉइंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, ठीक है। अब आप उसको क्लाउड के फॉर्म में लिखना शुरू करो। क्लाउड का मतलब आप एकदम एग्जैक्टली वही चीज इमेजिन करना जो आपको एक आसमान में जो क्लाउड दिखाई देता है, ठीक है। अब वो जो क्लाउड है वो सर्टन कंडीशन में स्प्रेड आउट है, सर्टन सर्फेस पर स्प्रेड आउट है। हम वो भी कर सकते हैं उसको पूरा का पूरा एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो एक जगह कंसंट्रेट करना शुरू कर दे तो वो क्लाउड क्या होना शुरू हो जाएगा, डेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा सर्फेस पर स्प्रेड करना शुरू करता हूँ तो क्लाउड क्या होना शुरू हो जाएगा, एक डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स का कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट चार्ज ना होते हुए वो इनफैक्ट एक क्लाउड है, और वो क्लाउड जो है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि भाई क्लाउड है तो क्लाउड में हम क्या इमेजिन करेंगे, वहां पर वापिस हम एक बेसिक पॉइंट पर आ जाते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को या फिर उसका जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर उसको हम वापिस बोलते हैं कि वो मैटर जो है, जो एक एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पर जाकर जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो हम वापिस आते हैं कि वो दो नेचर शो करते हैं। जैसे लाइट हमारे लिए दो नेचर शो कर रहा था, कौन से नेचर शो कर रहा था, एक शो कर रहा था वेव नेचर और एक शो कर रहा था पार्टिकल नेचर ना। पर जब हम एक मैटर को देखते हैं तो हमें तो दिखता ही वो पार्टिकल है, पर जब हम उसको सब एटॉमिक लेवल पर ले जाते हैं, बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पर ले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि वो क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है। जब वो तो वेव नेचर शो करता है तो वेव को अगर हमें अरेंज करना है तो वेव कैसे अरेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द एनर्जीज, उसको उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। वो पूरे साइंस जो इस फेनोमेना से डील करने वाला फेनोमेना है उस साइंस को क्या कहा जा रहा है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कि फर्दर हम बात बोल सकते हैं कि वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गया है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या, सबसे पहली चीज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो ये क्या बता है कि उसने सर्टन एक ट्रेडिशनल जर्मन नाम के जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक सर्टन एक्सपेरिमेंट किया था। उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर जैसे वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक न्यूट्रॉन गन जो है वो इस पॉइंट पर रखा गया है, इस पॉइंट से न्यूट्रॉन निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है सर्टन वेलोसिटी के साथ। वो वेलोसिटी एक्जैक्टली पता है क्योंकि हम उसको इजेक्ट भी कराने वाले एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें से कितनी वेलोसिटी से निकल रहा होता है वो यहाँ जाकर हीट कर रहा है। अब यहाँ जाकर हीट कर रहा है तो उसकी इतनी इतनी वेलोसिटी है, इतना इतना डिस्टेंस है, मैं बोलता हूँ 1 फीट पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है 10 फीट का, तो डेफिनेटली 10 सेकंड्स के बाद उसको हीट करना चाहिए। बट फैक्ट पता चला कि वो 10 सेकंड्स के बाद हीट नहीं कर रहा है, वो उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, बट वेलोसिटी तो अभी भी उतनी है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर का, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर बोर्स ने सॉरी डी ब्रोगली ने कुछ पोस्टुलेट बनाया। वो पोस्टुलेट ये था कि जब भी एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में हम इमेजिन करें ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या नेचर शो करेगा वेव, पर जब वो किसी मैटर से हीट करेगा तो वैसे भी वो जो एक्चुअली था वो क्या शो करेगा पार्टिकल। इन शॉर्ट मैं वापस बोलना चाहता हूँ कि लाइट जब वो ट्रैवल करता है तब कौन सा नेचर शो करता है वेव, और लाइट जब भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तब कौन सा नेचर शो करता है पार्टिकल। बेसिकली एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी जब भी ट्रैवल करेगी तब वो कौन से फॉर्म में ट्रैवल करेगी, इट विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, एंड जब भी वो एक मैटर को हिट करेगी मतलब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तब वो बन जाएगी कौन सा नेचर शो करना शुरू करेगा पार्टिकल ना। अब ये जो वैल्यूज अभी क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है, क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट कहाँ से हुआ था डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली बेसिकली क्या बता रहा है कि ये जो लाइट एनर्जी जो है मैटर की जो एनर्जी है वो जब भी ट्रैवल करेगा तब उस वक्त जो सिचुएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग क्या था कि
कोई भी जो वेव लेंथ होगा ऑफ एनी पार्टिकल ट्रेवलिंग विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दैट इज एम वी स्टैंड फॉर मास इनटू वेलोसिटी। बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इम्पैक्ट क्या होते जा रहा है, वो ये बनते जा रहा है कि वो एक मोमेंटम की बात हो रही है। तो ये जो मोमेंटम की जो बात हो रही है तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन बी। नाउ इसको हम ईयर मैनिपुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है एच अपॉन होल रूट ऑफ टू एम ई के, एंड ई क्या स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो जितनी एनर्जी वेलोसिटी से मूव करेगा वो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा उसका उसने डायरेक्टली रिलेटिव कर दिया उसकी वेव लेंथ। इन शॉर्ट उसका ये कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करेगा, हमें दिख रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमें दिख रहा है, पर जब वो ट्रैवल करेगा तब वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल ना करते हुए एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, अब खुद ही इमेजिन करते हैं अगर हम कि वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करने के लिए वेव जितना बड़ा होता जाएगा, वेव लेंथ जितना बड़ा होता जाएगा उतना मैं उसको फिजिकली फील कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ और एक वेव बड़ा सा वेव लेंथ जनरेट करते जा रहा हूँ, तो इतना बड़ा जितना बड़ा वेव लेंथ होगा उतना मैं उसको डेफिनेटली फील कर सकता हूँ कि मैं इस तरह से जा रहा हूँ। पर अगर वेव लेंथ छोटा होने लग गया, अब छोटा वेव करते जाता हूँ, आखिर में इतना छोटा वेव हो जाएगा कि जैसे अगर जो वेव लेंथ है वो कहाँ पर हम मॉनिटर कहाँ कर सकते हैं, जब वो बहुत बड़ा वेव लेंथ है, पर जो वेव लेंथ छोटा होने लगेगा तब हम उसको फील करना बंद कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट होगा जिसके अंदर हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली वो वेव एक स्ट्रेट ही है। एग्जैक्टली डी ब्रॉग्ली का यही कहना है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रेवलिंग ऑन एनीथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन, बट इट इज ऑलवेज इन अ वेवी नेचर। बट एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस द वेव लेंथ डिक्रीजेस, बिकॉज ये साइज मतलब मास की बात हो रही है, ये मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना उसका वेव लेंथ कम होता जाएगा, और जैसे जैसे उसका वेव लेंथ कम होता जाएगा हम उस चीज को मॉनिटर या सिग्निफिकेंस हमारे लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल, जहां पर मास इतना कम होगा, मास इतना कम होगा कि ये एक एप्रिशिएबल क्वांटिटी में आ जाएगा ना। तो हमारी बेसिक इक्वेशन है, इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एज इट इज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करने वाले आते हैं, तो माइंड वेल वैल्यूज ऐसे कभी नहीं दिए जाएंगे जो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन बना है, वैल्यूज हमेशा कैंसल आउट वाले होंगे, आपको खास ध्यान रखना उस बात का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि डी ब्रॉग्ली ने जब ने बताया कि वेव नेचर है, तो पार्टिकल का वेव नेचर है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ से एक्चुअली शुरुआत हो चुकी थी ना। उस चीज को आगे बढ़ाने वाला था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा, नेक्स्ट उसने कहा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो कहता है वो ये होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ट्रैवल कर रहा है तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रहा है, तो एक सर्टन एक्सिस पर अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो एक सर्टन टाइम के बाद हम बोल सकते हैं कि उसमें कोई इतनी इतनी पोजिशन पर होगा। बट हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग एनी ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच इज ट्रैवलिंग विल डेफिनेटली, हम कभी भी उसका जो पोजिशन है, ठीक है, एंड उसका जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली दोनों कभी नहीं बता सकते। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि डेल्टा एक्स में क्या मान के चलता हूं कि ये क्या है, कि ये है वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन x एक्सिस इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा
एक वैल्यू से h अपॉन 4 पाई, इससे हमेशा ज्यादा या इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो हम टर्म बोल रहे कि h अपॉन 4 पाई से इक्वल या ज्यादा ही रहेगा, इसका मतलब क्या, वापस h अपॉन 4 पाई ये क्या है, एक कांस्टेंट। इसका साफ मतलब निकलता है कि दो चीजों का जो प्रोडक्ट है वो एक सर्टन मिनिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है। दैट मींस अगर मैं बोलता हूं कि उसके पोजीशन का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इतना ज्यादा हो गया, अगर ये बढ़ता गया तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता गया तो ये वैल्यू, बिकॉज इससे ज्यादा ही रहेगा, ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इससे हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। मान लो हमारे लिए बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हमने डेल्टा एच की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब मैं बोलता हूं कि मैंने एक्स एक्सिस प्लॉट किया है और उस एक्स एक्सिस पर मैं डिफरेंस ले रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस यहां से यहां तक है, मैं इतना इतना गैप देता हूं, मैं बोलता हूं इतने में वो हो सकता है कोई पार्टिकल, तो ये जो वैल्यू होगा वो अब वन आ जाता है, मान लेते हैं। तो मैं उसके लिए क्या हो रहा हूँ, श्योर नहीं बट इतने डिस्टेंस में तो श्योर। अब मैंने एक्स को बढ़ा दिया, ये मैंने उसके 3 times कर दिया, तो मैं बोलता हूँ डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो मैं जो वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं वो जितनी बढ़ती जाएगी वो मुझे अनसर्टेनिटी बताएगा। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, एंड डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब ध्यान से सुनें, ये जितना बढ़ेगा उतना अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, मतलब आप जो आंसर देना चाह रहे हो वो आंसर एरर में आएगा। ये जितना बढ़ा जाएगा उतना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, दैट मींस यू आर नॉट श्योर। नाउ टू बिकम श्योर इन दोनों का वैल्यू जितना मिनिमम है उतना बेटर है। अगर मैं बोलता हूँ कि दो का डिफरेंस ही लेना है, मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पर है तो मैं बोलता हूँ इसमें एक 1 unit का डिफरेंस आया, बट एक पॉइंट मैंने बोल दिया तो 0 unit का डिफरेंस आया, तो पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स माई अनसर्टेनिटी पोजिशन इज 0। सिर्फ अगर मैंने एग्जैक्टली उसका मोमेंटम बता दिया तो मैं बोलूंगा मेरा अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितना है, 0। नाउ कम्स द रियल पॉइंट, इन दोनों का वैल्यू अगर मैंने 0 कर दिया तो ये कभी नहीं आएगा। दैट मींस कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द प्रोडक्ट ऑफ द टू, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू विल डेफिनेटली बी अ नॉन जीरो वैल्यू एंड ऑलवेज इक्वल टू और लार्जर देन h अपॉन 4 पाई। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे कि दोनों का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, एंड अगर किसी एक का वैल्यू 0 हो गया तो दूसरे का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल मतलब निकल रहा है ना। अब उसके आगे अगर मैं बोलता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट में जो भी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू आएगा आप कभी भी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते, बट इसका क्वांटम के साथ चलेगा। ये बोल रहा है हाइजेनबर्ग कि श्योरिटी के साथ नहीं बताने का मतलब यह है कि वो जो वैल्यूज बताओगे वो आप रेंज में बताओगे, रेंज में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह नहीं है, वो रेंज में है, वो एक सर्टेन स्पेसिफिक डिस्टेंस में फैला हुआ है। तो क्या वो पॉइंट है क्या, नहीं वो पॉइंट नहीं है, वो एक क्लाउड है, वो क्लाउड एक सर्टेन रीजन में फैला हुआ है, क्लियर। तो हाइजेनबर्ग ने जैसे ही बता दिया इक्वेशन, उसके बाद कि सारे फिर नेक्स्ट फेनोमेना, नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था अर्विंग स्क्रोडिंजर। अर्विंग स्क्रोडिंजर जो था उसने जो हमें भी बताना शुरू कर दिया वो ये था कि कोई भी एलिमेंट, अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर एक एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन जो स्प्रेड आउट है, इलेक्ट्रॉन तो है तो सभी का इलेक्ट्रॉन सेम ही, अब वो जो इलेक्ट्रॉन का जो स्प्रेडिंग हो रहा है वो अपने अपने लेवल्स के हिसाब से सेट हो रहे हैं, ठीक है। बोर्ड भी कहता था लेवल्स, पर वो लेवल्स को वर्ड का यूज करता था ऑर्बिट। ऑर्बिट की हमने क्या बोलते गए, इट इज अ टू डायमेंशनल, एक इमेजिनरी पाथ है,
अराउंड द सर्टन पॉइंट, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। नाउ बट अगर मैं बात करता हूं कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन या फिर डी ब्रोगली से जो हमारा स्टार्ट हुआ है, हाइजेनबर्ग बताए, फिर उसके बाद अभी किस पर आ रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन पर आ रहे हैं। श्रोडिंगर क्या कहता है, श्रोडिंगर ने क्या किया, उसने बोल दिया कि अगर हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते, तो हम क्या बता सकते हैं, एक सर्टन रीजन अराउंड द स्पेस, इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस लिया उसके सराउंडिंग में रीजन में बताता हूं, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब अगर मैं ये भी मान लेता हूं तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो अब हमारी सिचुएशन क्या बनी, सबसे पहली सिचुएशन बनती है कि उस रीजन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो रीजन डिफाइन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन लिया, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड दैट इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इक्वल टू इनटू साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज का टेंशन लेना है कि इसको आपको रट लेना है, ठीक है। अब तक जब भी क्वेश्चन आया है सीधा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द श्रोडिंगर इक्वेशन, आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि वो क्या टर्म्स, ठीक है। अभी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर जब हम ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं इनटू द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें कुछ वैल्यूज देता है, ठीक है। वो वैल्यूज जो होती है, वो वैल्यूज को अगर इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यूज हमें इंटरप्रेट करने के बाद हमें उस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताते हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कुछ वैल्यूज मिलती हैं, वो जो वैल्यूज है उनको जब हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उनमें से मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन का उस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कहां पर लोकेशन हो सकता है, इसका हमें अंदाजा मिल जाता है ना। अब ये जो कंडीशन है, जैसे कि अगर वैल्यू निकल रहे, अब ये जो नंबर्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के बाद जो ग्राफ्स मिलते हैं और जो नंबर्स मिलते हैं, उनको हम इनफैक्ट कहते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर्स एक चर एक सीरीज नंबर क्या है, कुछ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन नंबर्स है, कुछ बहुत अलग चीज नहीं, कुछ नंबर्स है, बट उन नंबर्स को एक सर्टेन फॉर्मेट में रखने पर कुछ रिप्रेजेंटेशन जनरेट होता है, और वो रिप्रेजेंटेशन हम क्या बोलते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अभी जो क्वांटम नंबर्स की जब हम बात करते हैं, तब हमारे लिए क्या सिचुएशन, क्वांटम नंबर्स टोटल चार पार्ट में डिवाइडेड, पहला पार्ट कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन सा है, एल्जीब्रिकल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। वापस एक बार ध्यान से, श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें उस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता चलता है, ठीक है ना। पहले जो तीन क्वांटम नंबर है, कौन से प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक, ये तीनों के तीनों क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन लोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक सर्टेन पोजीशन आता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से इंफिनिटी तक, बट इतना है नहीं हमारे पास, अप टू 7 तक हम जाते हैं। नेक्स्ट आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें जो आइडिया देता है, वो होता है कि उसमें ओरिएंटेशन स्पेस वो किस तरह से शेप क्या है उसका, ठीक है। और शेप के बाद हम सेकंड लेवल पर आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो एक्चुअली बताते हैं कौन से डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। एंड लास्ट जो क्वांटम नंबर है स्पिन, ठीक है, याद रखना वापिस ये पॉइंट है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्लासिकल पार्ट है, मतलब पुराना जो पार्ट है जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं,
वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर डिराइव नहीं होता है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर अलग से डिराइव किया गया है, और वहां पर जो स्पिन क्वांटम नंबर जो डेरिवेशन हुआ है वो अलग से इसलिए भी हुआ है क्योंकि एक ऑर्बिटल जो होता है वो प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक, जैसे अगर मैं बात करता हूँ शेल सब शेल एंड ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, शेल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, उसका सब शेल। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा उस सब शेल में हुए ऑप्शन ये ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मैं वर्ड ऑर्बिट से निकल कर कहां पर आ रहा हूँ, ऑर्बिटल्स पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे लिए वो ऐसी सिचुएशन है कि शेल सब शेल एंड ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब ये जो तीन लेवल्स है उसके बाद हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का तीन क्वांटम नंबर सेम, उनका लोकेशन तो सेम हो सकता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो उसके लिए शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है। तो यहाँ पर हमें उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या जरूरत पड़ गई, हमें जरूरत पड़ गई उसको एक स्पिन क्वांटम नंबर की, ठीक है। अब इसका जो आखिरी जो पार्ट है दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में हम बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डंबल शेप है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप है, ठीक है। उसके ऐसे तक ग्राफ आते हैं, वो ग्राफ के क्वेश्चन मेडिकल में कभी नहीं पूछे गए हैं, अब तक तो पूछे नहीं गए कि उसका ये ग्राफ है। इकल ग्राफ जो है वो इसमें एनसीईआरटी भी दे रखा है, वो बहुत ही सिंपल ग्राफ है, आपको सिर्फ वो नोड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो हम एक नोड क्या है वो डिस्कस करते हैं। क्वांटम नंबर्स या फिर स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व जब करते हैं तो हमें एक चीज का पता चलता है, और वो ये है कि हर एक ऑर्बिटल जो होता है, हर एक ऑर्बिटल पे जो क्लाउड है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो स्प्रेड आउट है, ठीक है, मतलब वो रीजन जो है, अब वो रीजन में भी वो क्लाउड इवनली स्प्रेड आउट नहीं है ना, वो अलग 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 सिचुएशन में। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम उसका क्लाउड का डेंसिटी अगर प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। तो नोड जो होता है वो सिंपली एक ऐसा पॉइंट या सरफेस है या ऐसा प्लेन है जिस प्लेन पर जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। जीरो वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रहा है, जीरो वैल्यू स्ट्रेट अवे ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हमें जब रीजन की बात करते हैं तब हम एक है श्योर तो है नहीं, तो श्योर ना होने के कारण अब हम क्या बोलना शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो जो भी एलिमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में है उसमें जो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में एक सर्टेन ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो हम उसको ऑर्बिटल ऑर्बिटल का एरिया मान सकते हैं। बट उसी में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर हम उस इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड है वो क्लाउड को हम जीरो मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है, जीरो, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, नोड, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल में जैसे 1s ऑर्बिटल में किसी भी शेल का 1s ऑर्बिटल होगा, 1s ऑर्बिटल किसी भी एलिमेंट का ये एटम पर, उसमें कोई भी नोड नहीं होगा। वैसे ही अगर बात करते p की बात करते तो p का जो 2p होगा उसमें एक प्लेनर नोड आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम नोड्स उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट में अभी जैसे पार्ट आता है नोड्स के बाद आता है आपका आखिर में आएगा उसका स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का जो पार्ट है वो बेसिकली जो हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है एंड फुल लिक्विड मोर स्टेबल।